हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रोटर में जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर के रोटर में करंट कैसे बहती है और कितनी बहती है। आज हम लोग बात करेंगे कि रोटर में कॉपर लॉस कितना होता है और उस कॉपर लॉस का रोटर के इनपुट से क्या रिलेशन होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रिलेशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने जैसे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पढ़ा था कि यहाँ पे हमने लिखा से रिलेशन रिलेशन बिटवीन रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। रोटर इनपुट में और रोटर कॉपर लॉस में क्या रिलेशन होता है, इसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो मान लीजिए इसमें हमने कहा कि लेट से सपोज कीजिए हमने लिया टाउ डी, ठीक है, ये ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, ये है हमारा डेवलप टॉर्क, जो टॉर्क जो है डेवलप हो रहा है, दिस इज द डेवलप टॉर्क, ठीक। या इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि टॉर्क एग्जर्टेड ऑन द रोटर बाई द रोटेटिंग फ्लक्स, ऑन द रोटर बाई द रोटेटिंग फ्लक्स से की वजह से रोटर पे जितना टॉर्क एग्जर्ट हो रहा है। एन एस ले लिया हमने, दिस एन एस इज सिंक्रोनस स्पीड, ये हो गया हमारा सिंक्रोनस स्पीड, और ये स्पीड है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। उसके बाद रोटर की स्पीड दिखा दिया हमने एन आर, ये क्या है, ये है हमारा रोटर की स्पीड, इसको भी हम आरपीएस में ही ले रहे हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। अब देखिए अब क्या होगा कि पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेटर टू रोटर, स्टेटर टू रोटर, स्टेटर जो है जितना पावर दे रहा है रोटर को वो क्या होगा, वो होगा आपका एयर गैप पावर होगा, एयर गैप पावर, और इसको हम दिखा रहे हैं पीजी से, ठीक है। तो पीजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीजी इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एस इंटू टाउ डी, ठीक है, या ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एन एस इंटू टाउ डी। तो ये हो गया रोटर को जितनी इनपुट पावर मिल रही है, तो एक तरह से ये हो गया इनपुट पावर टू रोटर, रोटर को जितनी इनपुट पावर हम दे रहे हैं। अब ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमने एक इक्वेशन वन ले लिया, अब इसके बाद क्या होगा, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। अब टोटल पावर जो डेवलप हो रही है, टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप बाय द रोटर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल पावर, हमने ऐसे दिखा दिया पी एम डी इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू टाउ डी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एन आर इंटू टाउ डी वॉट, ठीक। अब टोटल लॉस जो होगा उसके लिए हम लिख सकते हैं, देखिए टोटल जो कॉपर लॉस होगा, तो कॉपर लॉस को क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर, तो टोटल आई आई स्क्वायर लॉस इन रोटर, ये हम कैसे निकालेंगे, जो इनपुट पावर है और जितनी आउटपुट पावर है उसमें तो माइनस कर देंगे लॉस निकल आएगा। तो ये हम लिखेंगे कि सीधा सीधा मान लीजिए इसको हम फॉर्मूले में लिख दिया, तो ये हो गया आपका जो हमारी एयर गैप पावर थी पीजी और जो हमारी पावर डेवलप हो रही पीएमडी, ये हो जाएगा। तो एक तरह से इसको हम लिख सकते हैं कि पावर आप पी आर सी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दीजिए तो 2 पाई एन एस इंटू टाउ डी माइनस 2 पाई एन आर इंटू टाउ डी। तो एक तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई टाउ डी कॉमन ले लीजिए, एन एस माइनस
एन आर, तो ये टोटल हमारा आई स्क्वायर लॉस हो गया। अब इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली हम ये कर सकते हैं कि टोटल आई स्क्वायर लॉस इन रोटर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इनपुट पावर टू रोटर, इनपुट पावर टू रोटर, ये इज इक्वल टू हो गया 2 पाई एन एस माइनस एन डी इंटू टाउ डी डिवाइडेड बाई 2 पाई एन एस इंटू टाउ डी। तो इसको और ये टोटल आई स्क्वायर लॉस बटे ये और डिवाइडेड बाय इनपुट पावर टू रोटर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, आप 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, टाउ डी से टाउ डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एन एस माइनस एन डी अपॉन एन एस बचेगा, और एक तरह से क्या हो गया, ये हो गया स्लिप। ये फॉर्मूला होता है स्लिप का, ये हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ से ये निकल के आया सीधा सीधा कि रोटर कॉपर लॉस जो है, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा एस इंटू रोटर इनपुट, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये पी आर सी, रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू पी जी, या एस इंटू पी आई, और आर मतलब रोटर, ये इनमें से कोई भी फॉर्मूला जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि द रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स द रोटर इनपुट, रोटर इनपुट को जो एयर गैप पावर है उसमें आप स्लिप से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो आपका रोटर का कॉपर लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टर्म आई है आपकी एस इंटू पी जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लिप पावर, दैट इज दिस इज कॉल्ड स्लिप पावर, ठीक, क्योंकि बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिप फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ पी जी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द पोर्शन ऑफ द एयर, ये एक तरह से एयर गैप पावर या इनपुट पावर का वो पोर्शन है जो कन्वर्ट नहीं हुआ मैकेनिकल पावर में, तभी तो वो लॉस में दिखा रहा है ना। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिर्फ स्लिप पावर इज दैट पावर इज द रेशियो या इज द पोर्शन ऑफ दैट इनपुट पावर या दैट एयर गैप पावर विच कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर इसमें हम रिलेशन निकालें तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें ये मालूम है कि ऑल्सो रोटर इनपुट जो होता है, रोटर इनपुट वो क्या होता है, वो होता है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड प्लस रोटर कॉपर लॉस, ये तो हम सब लोग पढ़ चुके हैं अभी, जस्ट पढ़ के उठे हैं ना। तो इसको हम क्या एक तरह से लग सकते हैं पी आई आर इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, पी एम डी प्लस पी आर सी, ये हो गया। अब इसमें पी आर सी क्या है, इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि पी आर सी इज इक्वल टू पी आर सी को हम क्या लिख सकते हैं, एस टाइम ऑफ पी एम डी प्लस पी आर सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, इसको अगर आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो पी आर सी 1 माइनस एस इज इक्वल टू हो गया एस ऑफ पी एम डी, ये आ जाएगा, या यहाँ से आप निकालेंगे पी आर सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस अपॉन 1 माइनस एस इंटू पी ऑफ एम डी, ठीक है। यानी कि रोटर कॉपर लॉस जो है, यानी कि इससे आप क्या ले सकते हैं कि जो रोटर कॉपर लॉस है वो रोटर कॉपर लॉस जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है उसका एस अपॉन 1 माइनस एस टाइम्स होता है। तो इसको आप ये भी ले सकते हैं मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द
मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द रोटर। अब देखिए लॉस को हमने दोनों से रिलेशन आपको बता दिया, लॉस का इनपुट पावर से क्या रिलेशन है वो भी बता दिया, और लॉस का जो आउटपुट पावर है मतलब मैकेनिकल पावर जो है उससे क्या रिलेशन है वो भी बता दिया। अब इनको अगर आप एक साथ आप लिखना चाहें तो ऐसे आप लिख सकते हैं, पी जी क्या है वही एयर गैप पावर मतलब इनपुट पावर रेशियो, पी आर सी क्या है कॉपर कॉपर लॉस रोटर में रेशियो, पी एम डी क्या है आउटपुट पावर, भाई ये इनपुट पावर लॉस आउटपुट पावर इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, वन रेशियो एस रेशियो वन माइनस एस का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों डेरिवेशन हमने आपको करके समझा दिया है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसका मतलब देखिए डिस्कशन में एक चीज़ और निकल के आती है कि इट इज सीन दैट वंस द एयर गैप पावर पी जी इज डिटरमाइंड थ्री क्वांटिटीज में बी फाउंड फ्रॉम द स्लिप एंड सिंक्रोनस स्पीड, मतलब कि एक बार अगर आप रोटर की इनपुट पावर अगर आपने पी जी निकाल ली तो बाकी दोनों जो चीज़ें बाकी जो कॉपर लॉस है या आउटपुट पावर है वो आप इसकी मदद से और स्लिप एंड सिंक्रोनस स्पीड की मदद से आप बाकी दोनों चीज़ें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको फाइनली हम इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं, पी आर सी मतलब रोटर में कॉपर लॉस इक्वल टू हो गया एस टाइम ऑफ पी जी, ठीक, दूसरा हो गया आउटपुट पावर मैकेनिकल आउटपुट पावर पी एम डी क्या हो जाएगा वन माइनस एस इन टू पी जी, और तीसरा जो टाउ डी है टॉर्क डेवलप वो हो जाएगा आपका सीधा सीधा पी जी अपॉन ओमेगा ओमेगा एस। तो अगर आपने एक बार पी जी निकाल लिया और अगर आपको स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड पता है तो इन फॉर्मूलों से आप कॉपर लॉस और आउटपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन पसंद आया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न या डाउट है तो उसको आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और अच्छे लेक्चर डालने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।